हिरण्यकश्यपु का अर्थ भी हमारे महाराज जी बहुत अच्छा करते, हिरण्यस्य कश्यपु यस्य सोने की ही शैया जो बना करके सोता है। हिरण्याक्ष माने हिरण्य एव अक्षणी यस्य, बोले हाँ सोने पर ही जिसकी नजर रहती है उसका नाम हिरण्याक्ष, सोने के पलंग पर जो सोता है उसका नाम हिरण्यकश्यपु। तो ये जो तीन अवतार का तीन जन्म का शाप मिला उसमें एक एक दोष प्रधान था। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु में लोभ प्रधान ये जन्म था दोनों जय विजय का। रावण कुंभकर्ण काम प्रधान जन्म था, जो भगवान की हाँ महाराज साक्षात जगत जननी का अपहरण कर लिया और उनसे विवाह जो करना चाहता है, इससे बड़ा दोष कहाँ मिलेगा। काम प्रधान जन्म था रावण और कुंभकर्ण का, और क्रोध प्रधान जन्म था शिशुपाल और दंत वक्त्र का। काम क्रोध लोभ तीनों दोषों की प्रधानता से तीन जन्म हुए इन दोनों के जय विजय के। शिशुपाल क्रोध प्रधान बिना कारण भगवान कृष्ण को दिन भर क्या करता था, गाली देता था बिना कारण। आप जानते जब राजसो यज्ञ में पूजन होने की तैयारी हुई भगवान कृष्ण की, जिसका प्रस्ताव जरासंध के बेटे ने रखा था, आश्चर्य होगा महाराज युधिष्ठिर तभी तो बहुत प्रसन्न हुए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा हम लोग आपके नाम का प्रस्ताव करते तो लोग कहते ये तो इनकी मित्रता है। भाई मित्र आपके नाम का प्रस्ताव तो करेगा ही, आपका दुश्मन आपके नाम का प्रस्ताव करे, वहाँ विशेषता तो उसमें। जरासंध का संहार किया था भगवान कृष्ण ने और उसी के बेटे को राजा बना दिया था, तो उसका बेटा जानता था भगवान कृष्ण का उद्देश्य क्या है। भगवान कृष्ण का उद्देश्य किसी का राज्य छीनना नहीं है, भगवान कृष्ण का उद्देश्य किसी की संपत्ति छीनना नहीं है, भगवान कृष्ण का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना। और तब वो सहदेव, उसका भी नाम सहदेव था, इसलिए भ्रांति हो जाती, लोग सोचते हैं पांडवों के भाई सहदेव ने प्रस्ताव किया, नहीं उसने प्रस्तावित किया था कि हमने देखा है श्री कृष्ण का जीवन, श्री कृष्ण का स्वरूप, ऐसा महापुरुष हमें कोई नहीं है, विचार क्या करते हो, प्रथम पूजा श्री कृष्ण की होनी चाहिए, उसने प्रस्तावित किया था। सारे महात्माओं ने समर्थन किया था, साधु साधु साधु, और महाराज युधिष्ठिर की आंखों से तो अश्रुपात होने लग गया। हम चाहते तो यही थे लेकिन हम प्रस्तावित नहीं कर सकते थे, उसने प्रस्तावित किया। और जानते जब पूजन की तैयारी हुई, शिशुपाल कहता है इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सभा में बैठे और कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है कृष्ण की प्रथम पूजा का, क्या तुम लोग नहीं जानते हो कृष्ण का जीवन क्या है। और जानते हो अकारण अकारण कलंक लगाए हैं शिशुपाल ने, जिनका कोई आधार ही नहीं। जानते हो क्या क्या अपशब्द बोले शिशुपाल, 100 गालियां दी हैं, दो चार जो उसने विलक्षण बिना आधार के जो आरोप लगाए। वो कहता है कि पहली बात तो कृष्ण की जाति का पता नहीं, क्यों बोले ये क्षत्रिय है कि वैश्य पता ही नहीं, क्यों नहीं पता है, बोले कोई कहता है देवकी वसुदेव का बेटा है, कोई कहता है नंद यशोदा का बेटा है, नंद यशोदा वैश्य परिवार में है, देवकी वसुदेव क्षत्रिय परिवार में है, तो ये क्षत्रिय है कि वैश्य है यही पता नहीं, ये शिशुपाल कहता है। और बोले किसी देश का ना तो राजा है न राजकुमार है, इसके प्रतिष्ठा किस अर्थ में आप लोग कर रहे हैं, पूजन क्यों कर रहे हैं। अरे भाई वो तो यदु को शाप था ययाति का कि तुम्हारे परिवार का कोई राजा नहीं बनेगा, भगवान कृष्ण उसका पालन कर रहे थे, वो तो धर्मनिष्ठ होकर के राजा नहीं बन रहे थे, काम तो सारा वही करते थे। और तीसरा आरोप जो उसने लगाया वो तो बहुत हास्यास्पद, वो शिशुपाल कहता है तुम लोगों को पता है ये समुद्र के बीच में इसने द्वारिका क्यों बनाई है, समुद्र के बीच में क्यों द्वारिका बनाई तुम लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। शिशुपाल कहता है बोले ये समुद्री डाकू है, वहां से आने जाने वालों को लूट लेता है, किसी को पता न लगे इसलिए समुद्र के बीच में रहता है। अब ये निराधार आरोप बिल्कुल, जिनका कोई आधार ही नहीं। अर्जुन और भीम उठ के खड़े हो गए मारने के लिए, झूठा आरोप लगाता है मार डालेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा ठहरो ठहरो, मैंने इसके माँ को वचन दिया, भगवान कृष्ण की बुआ का ही बेटा है, इसके माँ को मैंने वचन दिया है कि 100 अपराध इसके मैं माफ करूंगा, मैं तो काउंट कर रहा हूँ धीरे धीरे, इसको गाली देने दो, तुम बीच में रोक दोगे तो और जिंदा रहना पड़ेगा इसको। और जहाँ महाराज 99 गाली पूरी हुई, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को स्मरण किया और महाराज प्रेषित कर दिया, शिशुपाल का गर्दन काट किया, दिव्य तेज निकला, भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया। तो अभिप्राय ये भगवान का जो स्वरूप है, तो ये क्रोध प्रधान, ये जो जय विजय का तीसरा जन्म है शिशुपाल दंत वक्त्र, ये क्रोध प्रधान जन्म, काम प्रधान लोभ प्रधान क्रोध प्रधान। तो हिरण्यकश्यपु की गोद में बैठ करके प्रहलाद जी नवधा भक्ति सुना दिए पूरा, पिताजी
मैंने अपने गुरु से ये सीखा है। अब महाराज कोई हिरण्यकश्यपु की गोद में बैठ के उसकी सभा में और नारायण की नवधा भक्ति सुना दे तो साहस की पराकाष्ठा। हिरण्यकश्यपु ने तो पहले प्रहलाद को उठा के नीचे पटक दिया, गोद से उठा के नीचे पटक दिया। उसके बाद संडा मर की तरफ देखा टेढ़ी नजर से, मूर्खो ब्रह्म बंधो किमे तत्ते। ब्रह्म बंधु शब्द का अर्थ जानते हो क्या होता है? अधम ब्राह्मण। किसी को ब्राह्मण कहो ब्रह्म कहो तो उसका सम्मान हो जाएगा। देखो संस्कृत के शब्द बड़े विलक्षण होते हैं, इनका अर्थ अगर जो न जाने तो फंस जाएगा। ब्रह्म बंधु सुनने से तो लगता है भाई ब्राह्मण को बंधु, भाई बंधु। ब्रह्म बंधु का अर्थ होता है अधम ब्राह्मण। क्षत्रिय बंधु का अर्थ होता है अधम क्षत्रिय, पतित क्षत्रिय कहें या अधम क्षत्रिय कहें। हे ब्रह्म बंधु, हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोगों को मेरे प्रशासन का ज्ञान नहीं है? तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे विपक्ष में इन दोनों को शिक्षा दे रहे हो? अब महाराज जैसे डांट लगाई, अब वो जो संडा मर्क थे वो तो घबरा जाते, और संडा मर्क हाथ जोड़ करके महाराज हिरण्यकश्यपु से बोलना प्रारंभ करते। बड़ी सुंदर बात कहते हैं और जो सच्चाई थी वही बोलते हैं। नमः प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदते सवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरसराजन् नियच्छमन्नुं कददास्ममानः। राजन आप अकारण ही परेशान हो रहे हैं। ये आप जो आपका जो पुत्र बोल रहा है ना, या ना तो हमने सिखाया है न विद्यालय में और किसी ने सिखाया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमारे सिखाया हुआ है न दूसरे का सिखाया हुआ है जो आपको कह रहा है। बोले फिर जब किसी ने सिखाया नहीं तो कहाँ से आया इसको, ये ज्ञान कहाँ से हुआ? बोले नई स्वर्ग की यम, ये जन्मजात है। शंडा मर्क ने बात तो ठीक कही, जन्मजात माने गर्भ में ही इनको ज्ञान हो गया था, जन्म के पहले ही हो गया था। बोले इनका ये स्वभाव, इनकी ये बुद्धि, ये जन्मजात है, इसलिए हमारे ऊपर आप कृपा करके क्रोध मत करें, हमने सब नहीं सिखाया। कभी कभी भ्रम में भी महाराज दूसरे का अपराध होता है और दूसरे पे गुस्सा निकलता है, और कभी कभी ये कमजोरी भी होती है व्यक्ति की, गलती कोई करेगा अगर उसका सामना नहीं कर सकता, उसको नहीं बोल सकता तो दूसरे पे गुस्सा निकलता है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ कई घरों में देखा जाता है महाराज। तो इसलिए अब महाराज हिरण्यकश्यपु ने देखा अगर इसको इन्होंने नहीं सिखाया और ये मेरे गोद में बैठ करके भगवान विष्णु की नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा है तो ये तो बहुत ही खतरनाक बालक है, जो मेरा जन्मजात दुश्मन है, और वो उसकी प्रशंसा मेरे महल में, मेरे हॉल में, मेरे सिंहासन के ऊपर, मेरी गोद में बैठ करके जो करता है, ये तो बहुत बड़ा दुस्साहस है, ये तो बहुत बड़ा खतरा बनेगा मेरे आगे के लिए। हिरण्यकश्यपु ने फिर उससे पूछा, अगर तुम्हारे गुरु ने ये बात तुमको नहीं पढ़ाई प्रहलाद, तो ये तुम्हारे अंदर ये सब कहाँ से आया जो नवधा भक्ति का तुमने उपदेश दिया, भगवान नारायण की कृपा का, भगवान नारायण की भक्ति का जो उपदेश दिया, ये कहाँ से आया तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे जीवन में? प्रहलाद कहते हैं, पिताजी नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रि, ये जो बुद्धि है पिताजी, ये केवल किसी के कहने सुनने पढ़ने से नहीं आती है। कब आती है? मही यशाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। कितना सुंदर उपाय बताया है, अगर ये प्रेम लक्षणा भक्ति किसी के जीवन में आई है तो भगवान के प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त जो महापुरुष हैं उनके चरणों की सेवा के बिना नहीं आई, जो उनके भक्त हैं। आपको अगर भगवान का प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, तो जो उनके प्रेमी हैं उनकी सेवा करना होगा, उनकी सन्निधि में रहना होगा। अब आजकल तो लोगों की जो दशा है, प्रायः सबकी मैं बात नहीं कहता हूँ, भागे भागे वृंदावन जाएंगे, भागे भागे आएंगे, हाँ बांके बिहारी का दर्शन कर लिया, बाहर आके चाट पकौड़ी खा लिया और दिल्ली आ गए। ठीक है, न जाने वालों से जाने वाले ठीक है, लेकिन ब्रज का जाना खाली इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि इतना काम हो गया बस। बहुत लोग जाते हैं, कई लोगों का नियम है हर महीने बांके बिहारी का दर्शन करना, किसी का नियम है हर हफ्ते जाना, तो बहुत लोगों का ऐसा नियम है। लेकिन अगर आप ब्रज में जाएं, वृंदावन में जाएं, वहाँ गिरिराज में भी अभी कुछ छिपे हुए संत महापुरुष हैं,
वृंदावन में भी कहीं छिपे हुए कुछ महापुरुष हैं, आप कुछ समय रहें तब आपको पता लगेगा। उनका सानिध्य प्राप्त करें, उनकी सेवा करें, उनका जीवन देखें। महापुरुष जो बोलते हैं केवल वही कथा नहीं होती है, महापुरुषों का जीवन ही अपने आप में कथा होती है। उनका जो जीवन है आप देखें, वो कैसे भगवान के प्रेम में रहते, कैसे बिना किसी आधार के रहते, बिना किसी आश्रय के रहते हैं, उन संतों को देखने से पता लगता है। गिरिराज्य में अभी भी एक संत महापुरुष रहते हैं और वो व्रत से बाहर नहीं जाते, बड़े अच्छे महापुरुष है। दिन भर भजन करना, भगवान की सेवा करना, वही उनका काम है। मैं कभी जब गिरिराज्य जाता हूँ तो उनके पास जाता हूँ। एक बार मैंने उनसे निवेदन किया, मैं बैठता हूँ उनके पास आधा घंटा पौन घंटा जितना समय होता है। मैंने कहा, महाराज आप व्रत से बाहर नहीं जाते हैं, अगर जाएंगे तो बाहर के लोगों को भी थोड़ा लाभ मिलेगा जो यहाँ नहीं आ सकते। तो उन्होंने ऐसी बात विलक्षण कही कि मैं तो चुप ही हो गया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, पिता को पता है कि कौन बेटा योग्य है और कौन नालायक है। बोले, लायक बेटे को ही पिता बाहर विदेश भेजता है व्यापार के लिए या किसी काम के लिए, नालायक को नहीं भेजता है, नालायक को अपने पास ही रखता है। बोले, आप लायक बेटे हो, आप तो जा ही रहे हो ना, मैं नालायक बेटा हूँ। हाँ ठाकुर जी का, इसलिए मेरे को कहीं नहीं भेजते। अब आप देखो वो महापुरुष, इससे पता लगता है उनके हृदय में कितना सुंदर भाव है। वो ये भी कह सकते थे, मैंने नियम लिया मैं व्रत से बाहर नहीं जाऊँगा, वो एक तरह का स्वाभिमान हो जाता। कितना अच्छा जवाब दिया, सब कुछ उसमें आ गया। और जब तक ये पता अनुभव नहीं होगा कि वास्तव में हम में कोई योग्यता नहीं है, तब तक पूर्ण ईश्वर की कृपा की अनुभूति नहीं होती है। अपनी योग्यता का जहाँ तक अनुभव है, अपनी साधना का जहाँ तक गर्व है, वहाँ तक ठीक है, साधना जरूर करना चाहिए, लेकिन अनुभूति का प्रारंभ वहीं से होता है जहाँ पुरुषार्थ का समापन हो जाता है, वहीं से कृपा की अनुभूति का प्रारंभ होता है। और आपके जीवन में अगर एक दो बार कृपा का अनुभव हो गया, फिर आपका जीवन मस्त हो जाएगा, फिर आपका जीवन आनंदित हो जाएगा, आपको लगेगा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस वही फिर स्थिति आ जाएगी, हमको खाली लठिया लगाना है, गिरिराज जी तो ठाकुर जी को ही उठाना है। और वही उठाते ही हैं जिनको अनुभव उस बात को समझते। यहाँ भी जरूर ऐसे कुछ लोग बैठे हैं जो इस कृपा का अनुभव करते हैं और उसमें बड़ा रस है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी चिंता नहीं आती, कभी आक्रोश नहीं आता है, वो जानते हैं हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, बाकी काम तो ठाकुर जी को करना है। तो अभिप्राय, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में रहना, ऐसे महापुरुषों की सेवा करना, उससे कई लाभ होते हैं। ऐसे महापुरुष के पास रहेंगे तो आपको एक तो पता लगेगा कि एक भगवत प्रेमी कैसे बिना किसी संसार के आश्रय के रहता है, बिना किसी संसारी व्यक्ति के आश्रय के, संसार के आश्रय के, और कितना मस्त रहता है। और दूसरी बात, अगर आप उनके सेवा करने लग गए और उनके हृदय में कभी विशेष करुणा का जागरण हो गया और उन्होंने आपके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना कर दी कि प्रभु इस जीव को भी अपनाइए, फिर ठाकुर जी आपको कभी मना नहीं करेंगे। एक रामानुज संप्रदाय में एक महापुरुष हुए, शायद आपने कथा सुनी हो, धनुर्दास, बड़े अच्छे से धर्मात्मा हुए रामानुज संप्रदाय में। मैं समझता हूँ शायद 250-300 वर्ष पहले वो रामानुज जी के समय से हुए, अवधि में ठीक नहीं बता सकता, लेकिन बड़े अच्छे महापुरुष, सिद्ध महापुरुष हुए। और जानते हो क्या थे पहले, वो ईमानदार तो थे लेकिन एक वेश्या पर इतना ज़्यादा आसक्त हो गए थे कि वो महाराज वेश्या की सेवा में लग गए। जब महात्मा नहीं थे, जब वो गृहस्थ थे, तब वो एक वेश्या की सेवा में लग गए और वो इतना ज़्यादा उसको उनको दुनिया की कोई चिंता नहीं, दुनिया का कोई क्या कहेगा, बदनाम करेगा, बदनामी करेगा, कोई चिंता नहीं। वेश्या के ऊपर छाता लगा के स्वयं चलते थे, अगर धूप निकले बारिश होए उसकी सेवा। श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा, ये व्यक्ति अगर एक वेश्या के सौंदर्य पर इतना मोहित है कि इसको दुनिया की चिंता नहीं, दुनिया की कोई इसको खटका नहीं, अगर इस व्यक्ति के चित्त को परिवर्तित कर दिया जाए, भगवान के सौंदर्य का दर्शन करा दिया जाए, तो ये तो एक बहुत अच्छा महात्मा बन सकता है। और जानते, श्री रामानुजाचार्य जी ने उसको बुलाया इशारे से, वो नहीं गया, वो वेश्या के ऊपर छाता लगाए वो नहीं जा रहा है। वेश्या जानती थी एक सिद्ध महात्मा है। वेश्या ने कहा, अरे तुमको पता है कौन तुमको बुला रहा है, एक सिद्ध महापुरुष तुमको बुला रहा है, जाओ। उसने जब कहा तब वो गया
और जानते शाम की आरती का समय हो रहा था, संध्या आरती। रोज तो रामानुजाचार्य जी रहते थे, लेकिन जो मंदिर के पुजारी हैं वो आरती करते थे। आज आरती को स्वयं श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने हाथ में लिया, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु एक जीव आपके शरण में आज खड़ा है, आप इसको अपने सौंदर्य का दर्शन कराइए। एक वैश्य के सौंदर्य में मोहित होकर के इसने दुनिया को तिलांजलि दे दी। इसको परिवार की चिंता नहीं, समाज की चिंता नहीं, व्यापार की चिंता नहीं। ये व्यक्ति तो ईमानदार है, लेकिन इसको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। आप ऐसा सौंदर्य इसको आज दिखाइए कि वेश्य के सौंदर्य को भूल जाए और आपके चरणों में आ जाए। और जानते हैं श्री रामानुजाचार्य जो महाराज शेषावतार माने जाते हैं, हाँ, भगवान के शेषावतार है रामानुजाचार्य जी, बड़े भारी धर्म की स्थापना की है उन्होंने। उन्होंने प्रार्थना की, जानते हैं आरती के समय वो भी खड़ा, वो व्यक्ति भी, ऐसा भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन हुआ, वो व्यक्ति तो महाराज बेहोश हो गया भगवान के सौंदर्य को देख के। आधा घंटे तक भगवान के मंदिर के सामने पड़ा रहा और जब उठा, होश में आया, रामानुजाचार्य जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और दीक्षा की भिक्षा मांगने लग गया, आप मेरे को अपना लीजिए, अपना भक्त बना लीजिए। ऐसा सौंदर्य जहाँ सारे संसार का सौंदर्य तुच्छ प्रतीत होने लग गया, अब महाराज रामानुजाचार्य जी ने उसको दीक्षा दी और बड़े उस सिद्ध, वही व्यक्ति धनुर्दास हुआ और बड़ा सिद्ध महात्मा हुए, बड़े सिद्ध महात्मा। अभिप्राय तो महापुरुष के पास रहने के अनेक फायदे, लेकिन रहना कब होगा, जब हमारे पास समय होगा। समय की तो समस्या है। हमारे पूज्य महाराज जी बंबई में जब रहते थे, प्रायः का एक एक दो दो महीने भी रहते थे और प्रवचन भी होता था प्रेमपुरी आश्रम में, प्रेम कुटीर में, जगह जगह भारतीय विद्या भवन में। और महाराज जी कभी कभी विनोद में कहते थे, बोले बंबई के लोग बहुत कम वक्त है। कम वक्त का अर्थ समझ गए, वक्त बहुत कम है, इनके पास समय नहीं है। वो तो सुबह 7:30 से 8:30 होता है, बोले हैंगिंग गार्डन में वॉकिंग के लिए जाते हैं, प्रेमपुरी में आके बैठ जाते हैं कि रिलैक्स भी हो जाएगा और महाराज जी कुछ बोलेंगे तो सुन भी लेंगे, दोनों काम साथ, अलग से समय देना इनके लिए संभव नहीं। तो अभिप्राय, समय अगर हम भगवान को नहीं देंगे, संतों को नहीं देंगे, और उसके बाद आशा करें कि भगवान हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करते, क्यों हमको अनुभव नहीं होता, तो कैसे होगा। आप करके देखो, थोड़ा समय रोज दे करके देखो, संतों के पास जाओ तो थोड़ा सेवा करके देखो, समय करके देखो। वही प्रहलाद जी कहते, मही यशाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। निष्किंचन, निष्किंचन बड़ा सुंदर शब्द है। निष्किंचन माने जिनको ईश्वर को छोड़ करके जिनके जीवन में और कोई आकांक्षा शेष नहीं है, ऐसा महापुरुष जिनको भगवान को छोड़ के कुछ नहीं चाहिए। एक बार एक बहुत बड़े उद्योगपति बाबा के पास गए, पूजोड़िया बाबा जी के पास, और बहुत आग्रह करने लग गए, महाराज को सेवा बताइए, हमको कुछ करना है, कुछ करना है। बाबा ने कहा, नहीं होगी तब बता देंगे, नहीं हमको कुछ करना है। बाबा ने कहा, यही सेवा है कि अब तुम जल्दी आया मत करो हमारे पास यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है। तुम रोज यही बोलोगे कुछ करना, तुम अपना पैसा दिखाना चाहते हो ना, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आश्रम बनवा सकता हूँ। अरे भाई, महात्मा को अगर निष्किंचन महात्मा है, भगवान का भक्त है, ब्रह्मनिष्ठ है, वो तुम्हारे पैसे से प्रभावित नहीं होगा, वो तुम्हारी शक्ति से प्रभावित नहीं होगा, वो प्रभावित होगा तो तुम्हारे भाव से प्रभावित होगा, तुम्हारे प्रेम से प्रभावित होगा, तुम्हारी श्रद्धा से प्रभावित होगा। ऐसा महापुरुष हमने अपने महाराज जी के जीवन में देखा है, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य रोटीराम बाबा, ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हुए ईश्वर कृपा से। एक बार तो पूज्य रोटीराम बाबा के दर्शन के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, अब पता नहीं उनका शरीर भी है कि नहीं है, वो आए, बहुत सारी गाड़ियाँ साथ में, बहुत सारे MLA वगैरह साथ में, और UP में तो एक MLA भी चलता है तो 8-10 गाड़ियाँ साथ में चलती, वो तो मिनिस्टर थे। बाबा को पता था कि ये गोहत्या के विषय में महाराज इनका सहयोग है, गोहत्या कराने में बाबा को मालूम था। बाबा को सूचना मिली, अमुक मिनिस्टर आपके दर्शन करने आ रहे हैं। बाबा ने कहा, उनको वहीं रोक दो। आधा किलोमीटर पहले ही उनको रोक दिया गया। बहुत उन्होंने अनुनय विनय किया, लेकिन बाबा ने नहीं आने दिया। बोले, जो व्यक्ति समझाने के बाद भी उस काम को नहीं करता है, खाली मेरा दर्शन करके करेगा क्या, वो क्यों आ रहा है। तो ये कोई सामान्य वैराग्य की बात नहीं, जिसको कुछ नहीं चाहिए। बाबा से जब कोई पूछता था, महाराज कोई सेवा बतावे, बाबा कहते थे, देखो
हम ईश्वर से भी कुछ नहीं मांगते, तुमसे क्या मांगेंगे? ईश्वर से भी कुछ क्यों? ईश्वर ने शरीर दे दिया है, ये शरीर से साधना हो रही है, भोजन और कपड़े की व्यवस्था ईश्वर अपने आप कर रहा है, और कुछ हमको जरूरत है नहीं। हाँ, ईश्वर से स्पष्ट। वो फकड़ी देखी बाबा के जीवन की, वो बोलते थे हम ईश्वर से कुछ नहीं मांगते, तुमसे क्या मांगेंगे, तुमसे को क्या सेवा बताएंगे, डांट के भगा देते थे। तो अभिप्राय ये है निष्किंचन महापुरुष, और वो महापुरुषों के जीवन की जो मस्ती होती है, जो आनंद होता है, हाँ वो तो देखने लायक होता है। बोले ऐसे महापुरुष अगर मिल जाए ईश्वर कृपा से, क्योंकि ऐसे महापुरुष बिना ईश्वर कृपा के नहीं मिलते हैं। जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाहिए, यही दरश परश समागमादिक पाप राश नशाइए। तो महाराज प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये जो बुद्धि मेरे अंदर है, ये अपने प्रयास से या दूसरे के प्रयास से नहीं आती है, ये तो संतों की कृपा से, वो भी जो निष्किंचन संत हैं, भगवान के भक्त हैं, उनकी कृपा से बुद्धि आती है पिताजी, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं आती। अब तो हिरण्यकश्यपु बहुत नाराज हुआ और प्रहलाद जी को मारने का आदेश देता है। तब उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, अभी एक भजन हम लोग करेंगे ठाकुर जी का, और उसके बाद क्योंकि प्रसंग बदलेगा और वो अब महाराज प्रहलाद जी को यातना का काम प्रारंभ होगा, यातना दी जाएगी, तो उसकी चर्चा कल से करेंगे। भगवान कैसे रक्षा करते हैं उनकी, एक भजन आप लोग सुनेंगे और उसके बाद फिर कथा का विश्राम करेंगे। ठाकुर जी के झूला का भजन है, और ये झूला का समय होता है ठाकुर जी के, सावन में, सावन अभी गया है, गुजरातियों का सावन तो अभी भी चल रहा है, गुजरातियों का सावन अभी चलता है 15 दिन आगे तक, तो झूला का भजन आप लोग सुनेंगे और उसके बाद फिर विश्राम करेंगे। Oh,
रक्षा खाती थी झूले में, दूसरे तरह से चोरी दोनों को डाल रहे हैं। और कितना सुंदर दृश्य होगा जिस चंदन ने इसकी रचना की है, शायद मैंने देख किया होगा भावराज में। नंद को चंद्रमा को देखा है, ऐसा सुंदर भाव
देखे दाता मंगलो।